नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। दोस्तों आज काफी छोटे से पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, स्केबीज, ये एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है। तो क्या होता है स्केबीज, क्या इसके सामान्य कारण है, क्या लक्षण है और होम्योपैथी में हम क्या बेस्ट मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। तो इसके बीच एक तरह का स्किन इन्फेक्शन होता है, जहां पर एक परजीवी या पैरासाइट आपकी स्किन पर रहना शुरू कर देता है और वो वहीं पर ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और आपकी स्किन में बरो करने लगता है, छेद करके थोड़ा सा एपिडर्मिस वाले एरिया पर ग्रो करता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको काफी सारे रिएक्शंस फील होते हैं। तो दोस्तों ये जो पैरासाइट या परजीवी होता है हमारे स्किन पर रहता है, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है या जिस एरिया में रहता है वहां इरिटेशन पैदा करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वहां पर रिएक्शन करती है और रैशेज पड़ जाते हैं और खुजली होने लगती है। इन परजीवियों का जो ग्रोथ होती है वो अधिकतर हमारे जोड़ों, ज्वाइंट वाले एरिया, जैसे कि आप कह सकते हैं उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, या आपके हाथ के बीच का ये जो स्पेस है जहां पर जोड़ है बॉडी के, आपके जांग वाले एरिया में, आपके पैर और टखने के पास और जहां पर ज्वाइंट्स हैं, वहां पर इनका इन्फेक्शन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर इनको ग्रो होने के लिए काफी अच्छी परिस्थितियां मिल जाती हैं, क्योंकि ज्वाइंट्स में दोस्तों हमेशा मॉइस्चर उपलब्ध रहता है और हमेशा इन्फेक्शियस बीमारी जितनी भी है वो आपके ज्वाइंट वाले एरिया से ही शुरू होती है। अधिकतर ये खुजली और जलन पैदा करता है और इतनी ज्यादा खुजली और जलन होती है कि आदमी को बर्दाश्त नहीं हो पाता, स्पेशली रात के वक्त में जब आप कपड़े उतारते हैं उस वक्त काफी ज्यादा खुजली आपकी ओवरऑल बॉडी में, और स्पेशली जो ज्वाइंट वाले एरिया है, हाथ की उंगलियां हो गई, जांग वाला एरिया होगा, यहां पर इस इन्फेक्शन का काफी ज्यादा असर देखने मिलता है। तो रैशेज होंगे और काफी ज्यादा खुजली होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह बीमारी दोस्तों इन्फेक्शियस होती है, अगर आपको एक व्यक्ति को हो रखी है तो घर में अन्य व्यक्तियों को भी धीरे धीरे होने लगेगी। तो यूजली हॉस्टल्स में रहने वाले लड़के लड़कियां, या अगर एक आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो एक व्यक्ति को अगर इसके बीज हुआ है तो संभवतः अन्य लोगों को भी इसके बीज हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण मिलते हैं कि आपके जोड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, आपको बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है, रात में खुजली बढ़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको इसके बीज का इन्फेक्शन है उसे आप थोड़ा सा सेपरेशन में रहने के लिए बोले, उसकी बेडशीट पर ना सोए, हर दिन उसकी बेडशीट को वॉश करें गर्म पानी से, और जो कपड़े पहन रखे पेशेंट को वो रेगुलर वॉश करने बोले। और एक छोटा सा ऑयल है दोस्तों, ये स्कैब ऑयल आता है, वीजल कंपनी का है, हर रात में पेशेंट को गले से नीचे पूरी बॉडी में लगाकर सोने हम बोलेंगे, और नेक्स्ट डे जब भी उठेंगे तो पेशेंट के कपड़े को गर्म पानी में धोएंगे, और साथ ही साथ पेशेंट की जो टॉवल वगैरह या पर्सनल यूज की चीजें हैं वो अन्य कोई भी ना यूज करे, जिससे ये इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड ना करे। तो और क्या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, दो मेडिसिन बहुत सारी, बट ये छोटा सा कॉम्बिनेशन है, सल्फर 200 और फैगोपायरम 200, ये 200-200 की पोटेंसी आपको लेनी है, सल्फर की भी 200 और फैगोपायरम की भी 200। सुबह शाम दोनों में से 5 ड्रॉप सीधे जबान पर ले लीजिए, लगभग एक वीक तक लीजिए, आप देखेंगे 10 में से 9 पेशेंट जो है दोस्तों सही हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट भी कुछ होते हैं जिन्हें बार बार ये समस्या हर गर्मियों की शुरुआत में हो जाती है, जी हाँ, गर्मी जैसे शुरू होगी इसके बीज की समस्या आने लगती है। तो ऐसे पेशेंट को दोस्तों करना ये है कि वेरियोलाइनम नाम की दवा आती है, 1 एम्पावर में एक खुराक सप्ताह में एक बार लेना, जब गर्मी की शुरुआत हो रही हो तब, ठीक है। और साथ ही साथ मैग्नम एसिटिकम 30 नाम की एक दवा आती है और बोरेक्स 30 नाम की दवा आती है, इन दोनों को ही 5 ड्रॉप सुबह शाम लेना शुरू करें, सिर्फ एक वीक तक ले, आप देखेंगे जो अगर आपको रेकरेंसी है कि हर गर्मी की मौसम में आपको इसके बीज की समस्या होती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर किसी को रिसेंट इन्फेक्शन है तो वो आप सल्फर और फैगोपायरम की 200 नाम की पोटेंसी ले, सुबह शाम आप ले, आप देखेंगे आपको एक वीक में ही ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। हालांकि ये स्कैब ऑयल जो है ये आप रेगुलर रात में सोते समय अप्लाई करें, आप देखें आपकी समस्या जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।